कड़को और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। वहीं अंडमान निकोबार में कई जगह बरसेंगे बादल। आज पूर्वी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना। आज और कल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली कड़कने के साथ हवाओं के आसार। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार बरसात का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ चल सकती है तेज हवाएं। कल केरल में बिजली की चमक के साथ हवाओं के आसार। आज पूर्वी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। कर्नाटक तट पर आज कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना। मछुआरों को इलाकों में न जाने की सलाह। तो बड़ी खबरों के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, यानी कि एक नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा होने के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार और झारखंड में बारिश के आसार नहीं है। आज और कल ओडिशा में कहीं कहीं बरसात होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा के आसार नहीं है। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में बारिश के आसार नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ इलाकों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरसेंगे। 2 दिन लक्षद्वीप में बरसात का अनुमान नहीं है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल करी। अब आइए बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बरसात और कहां रहा मौसम साफ। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश हुई। असम और मेघालय में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर हिस्सों में वर्षा हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बरसात हुई। कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बादल बरसे। अंडमान निकोबार में भी इक्का दुक्का इलाकों में वर्षा हुई। और अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। विदर्भ में कहीं कहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे आया है। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलोदी में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान पर। बिहार के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तेलंगाना में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करके बाजार में भी उनका मूल्य अच्छा आपको मिल सकता है। तो किस तरह से आपने करनी है फसलों की देखभाल और कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने करने हैं, आइए जानते हैं खेती किसानी में। जम्मू कश्मीर में काबुली चने और मसूर की किसान बुआई करें, साथ ही मटर और सरसों की बुआई भी कर लें। यहीं हल्दी में निराई कर सकते हैं। अभी मेथी, धनिया और पालक की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। किसान आलू भी लगा सकते हैं। ठंडे आर्द्र इलाके में आलू की खुदाई कर लें। इस समय बैंगन, लाल मिर्च, टमाटर और शलजम में कीटों के लगने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। जम्मू कश्मीर में धान और मक्के की कटाई किसान कर सकते हैं। वहीं गेहूं की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। इसके अलावा तोरई में निराई और गुड़ाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में आलू की खुदाई करें। किसान टमाटर और खीरे के पॉलीहाउस को बंद करके रखें। वहीं अदरक और मटर की बुआई के लिए खेतों को तैयार कर लें। साथ ही सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। ये समय गेहूं की बुआई के लिए उचित है। दूसरी ओर फूलगोभी और पत्ता गोभी किसान लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोयाबीन और उड़द की कटाई कर लें। यहीं धान की कटाई भी किसान कर सकते हैं। यहाँ के किसान अश्वगंधा और तुलसी की नर्सरी तैयार करते रहें। किसान भाइयों बहनों, अभी आपने खेती किसानी के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की फसल की। आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के बारे में। टमाटर हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में टमाटर की खेती करके अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं।
अभी टमाटर की बुवाई का समय है, तो किस तरह से आपने करनी है इसकी बुवाई, कौन कौन सी मुख्य बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। टमाटर अपने कई तरह के उपयोग, स्वाद और पोषक गुणों के लिए देश की हर रसोई का हिस्सा बन गया है। लगभग हर सब्जी में टमाटर का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके कई मूल्य संवर्धित उत्पाद जैसे केचप, अचार, प्यूरी, सूप आदि भी तैयार किए जाते हैं और साल भर में इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। इस कारण इसकी खेती किसानों के लिए बेहद लाभ का सौदा है। ये समय रबी टमाटर की बुवाई के लिए अनुकूल है। टमाटर की फसल साल में तीन बार अलग अलग मौसम में ली जाती है। उत्तर के मैदानी इलाकों में रबी टमाटर की बुवाई अक्टूबर से नवंबर तक की जा सकती है, जबकि दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से अक्टूबर का समय उपयुक्त होता है। टमाटर की फसल के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। टमाटर की उन्नत किस्में हैं अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आहुति, अर्का आशीष, HS 101, HS 102, HS 110, हिसार अरुण, हिसार लालिमा, हिसार ललिता, हिसार अनमोल, नरेन टोमेटो 1, नरेन टोमेटो 2, पूसा रेड प्लम, पूसा अली डवार्फ, पूसा रूबी, पूसा गौरव, पंत बहार, पंत टी आदि ये उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा पूसा रोहिणी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4 और पूसा संकर 8 किस्म भी लगा सकते हैं। टमाटर हर प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। बुआई के 30 से 35 दिन बाद टमाटर की पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। बुआई से पहले बीजों को ट्राइकोडर्मा से इलाज यानी उपचारित करें। 5 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। उपचारित बीजों को छांव में 30 मिनट तक सुखाएं और फिर 5 मिलीलीटर गहराई पर बीजों को लगाएं। नर्सरी की बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर दें। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 300 से 400 ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। क्योंकि टमाटर के संकर बीज महंगे होते हैं, इसलिए पौध तैयार करने की विशेष ट्रे का उपयोग करके नुकसान से बच सकते हैं। मुख्य खेत में 2 से 3 बार जुताई कर लें और अंतिम जुताई में जैविक खाद डालें, साथ ही 200 किलोग्राम नीम की खल भी मिलाकर डालें। टमाटर में हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए बेहद सावधानी से टमाटर की सिंचाई करें। तो अभी आपने टमाटर की बुवाई के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती पर। राजस्थान में मूली और मटर की बुवाई करें किसान। राजस्थान में सरसों और चने की बुवाई कर लें। फसलों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। राजस्थान में पालक की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में सरसों से खरपतवार निकालें। जौ, चना और सरसों में सिंचाई करते रहें। राजस्थान में कपास की चुनाई कर लें। राजस्थान में खरीफ फसलों की कटाई कर सकते हैं। लहसुन की बुआई के लिए उचित समय है। टमाटर की रोपाई के लिए खेत को तैयार करें। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मौसम और खेती से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। गुजरात में गाजर और सरसों की बुआई के लिए खेत को तैयार करें। गुजरात में लहसुन और आलू की बुआई करते रहें। काबुली चना और जीरे की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। गुजरात में मूंग, उड़द और सोयाबीन की कटाई कर लें। गुजरात में मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं। गुजरात में कपास की चुनाई करते रहें। केले और बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। धान के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। गुजरात में धान की कटाई कर सकते हैं। गुजरात में गन्ने की रोपाई का कार्य करें। और अब एक नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना। आज और कल मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में बिजली कड़कने के साथ हवाओं के आसार। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में जोरदार बरसात का अनुमान। दो दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली चमकने के साथ चल सकती है तेज हवाएं। कल केरल में बिजली की चमक के साथ हवाओं के आसार। आज पूर्वी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। कर्नाटक तट पर आज कहीं कहीं तेज हवाओं की संभावना। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।